हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही थी कैश बुक के, आज मैं आपको कैश बुक के करवाऊंगी डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस। अभी तक के मेरी वीडियो में मैंने आपको सिंगल कॉलम के बताए थे, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम में ये आज हम डिफरेंस देखेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। ये एक्स्ट्रा फ्रॉम बुक्स है। ये जो हमारे डबल कॉलम कैश बुक है उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि इसमें आपका, हम सिंगल कॉलम कैश बुक में कैश के बैलेंस को ही कंसीडर कर देते थे और बैंक के बैलेंस को हम बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते थे, बट इसमें हम कैश के बैलेंस को भी इंक्लूड करेंगे और बैंक के बैलेंस को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते अपने क्वेश्चन को। पहला है कैश इन हैंड 12,750। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपके पास कैश इन हैंड है 12,750 और कैश एट बैंक, आपका ही पैसा बैंक में भी है 72,400, दोनों ही आपका पैसा है ना, और आप लेके आए हो कंपनी में, तो प्लस होगा तो डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, हम यहाँ पे लिख देंगे डेट, इसकी देख लेते हैं। इसकी डेट थी हमारी मार्च 1 2018 लिखा हमने, बाय बैलेंस बीडे लिख दिया, जो हमारा 12,750 था 72,400 था। हमने 12,750 लिखते, 72,400 लिखते, दोनों हमने डेबिट किए। डेबिट हमने क्यों किए, इसका सिंपल रीजन इसलिए क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, आई होपफुली सो आपको मार्च 1 की ट्रांजेक्शन समझ आ गई होगी। अब मार्च 4 की करते हैं, ध्यान से देखना। रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश ऑफ 1200 एंड अ चेक ऑफ 3200। ठीक है, रिसीव्ड अ चेक ऑफ कैश फ्रॉम आशा ऑफ कैश 1200 एंड अ चेक ऑफ 3200 एंड अलाउड हिम अ डिस्काउंट ऑफ 400। हमारे पास उसका आशा का चेक भी आया और कैश भी आया और हमने उसको डिस्काउंट दे दिया अपना, कितने का डिस्काउंट दे दिया, 400 का। तो इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, हमारा, देखो एक बात मेरी याद रखना, जब तक हमारा चेक आया और ये नहीं लिखा कि वो चेक हमने बैंक में सबमिट करवा लिया, तब तक हम चेक की ट्रांजैक्शन को नहीं बैंक अकाउंट में कंसीडर करेंगे। दोबारा बोलती हूँ, अगर हुआ रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश 1200, तो हम इस 1200 को तो लिख देंगे, कहाँ लिखेंगे, ऑफकोर्स डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि व्हाट कम्स इन है। तो यहाँ पे हमने आशा के अकाउंट में तो 1200 लिख दिए, लेकिन कहीं पे भी मैंने मेंशन नहीं किया इसका चेक का अमाउंट 3200। इसका मुझे रीज़न बताओ क्यों, ये एक आप नोट डाल के अपनी नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि अगर सिर्फ ये गिवन हो कि रिसीव्ड अ चेक, अगर आपको उसको बैंक में मेंशन करना है तो उसके नीचे एक ट्रांजेक्शन लिखी होगी, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम आशा एंड सबमिट योर डिपॉजिट दैट चेक इन बैंक, तो ठीक है। अगर नहीं है लिखा हुआ तो आप इसे नहीं लिखोगे, ठीक है, कहीं पे भी नहीं लिखोगे। तो इसे यहीं पे छोड़ दो, डिस्काउंट को तो हम कंसीडर करते ही नहीं है। तो इस पूरी ट्रांजेक्शन में हमने सिर्फ रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश ऑफ 1200 को लिया, समझ गए, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, आपने सैलरी पे कर दी स्टाफ को चेक के थ्रू, आपके पास से गया, क्रेडिट बोर्ड गोस आउट, लेकिन चेक के थ्रू किया तो बैंक आएगा, तो ये हम अपने क्रेडिट साइड के बैंक अकाउंट में 25600 लिख देंगे। सैलरी के नाम से क्रेडिट साइड के बैंक अकाउंट में 25600 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, फिर ये भी हो गई हमारी। फिर विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से कैश निकाल लिया, अब ये हमारी डबल एंट्री होगी। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, ये हमारी, मैं स्टार बना देती हूँ, डबल एंट्री होगी। क्यों, बैंक के पास से तो पैसा चला गया तो बैंक के कॉलम में तो हम माइनस यानी क्रेडिट साइड में देख देंगे, लेकिन आपके पास कैश आ गया। ये जो डबल एंट्रीज होती है ना, ये आप अपनी कॉपी में लिख लिया करो, तो कैश आपके पास आ गया तो आप कैश में प्लस कर दोगे, मीन्स क्रेडिट साइड, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, बैंक साइड में 21900 माइनस कर दोगे और डेबिट साइड में आप 21900 को प्लस कर दोगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया, 21900 माइनस हो गया क्योंकि बैंक के पास से तो कैश चला गया लेकिन आया तो आपकी कंपनी में ना कैश बन के, बैंक अकाउंट लिख के कैश अकाउंट में हमने प्लस कर दिया। ये डबल एंट्री है, याद रखना, कॉपी में एक्स्ट्रा नोट बना के लिख लो, समझ गए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। 1200 रुपये आपने आपके इंटरेस्ट पे आउट कर दिया, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक कितना हमारा 1200।
बच्चों एक इसमें ये गलती थी, मैंने ये ठीक कर दिया। यहाँ पे इंटरेस्ट पेड बाय बैंक की ट्रांजेक्शन नहीं है, ये ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड इंटरेस्ट बाय बैंक। ये ट्रांजेक्शन थी हमारी रिसीव्ड इंटरेस्ट बाय बैंक, ये बाय काट के यहाँ पे रिसीव्ड कर लेना। तो रिसीव्ड इंटरेस्ट इंटरेस्ट बाय बैंक, तो ये हो जाएगी हमारी 1200। ये मैंने गलत नोट डाउन किया था बुक से, मैंने अपनी बुक से करवाती हूँ, मैं डीके गोयल से। तो इसमें रिसीव्ड है, ये रिसीव्ड इंटरेस्ट बाय बैंक 1200। अब रिसीव्ड है हमारे पास आ गया, तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा। हमने क्या कर देगी, ये डेबिट बैंक इंटरेस्ट पे डेबिट 1200 कर देगी बैंक के अकाउंट में, ठीक है। फिर परचेज फर्नीचर इन कैश, फर्नीचर आपने कैश में परचेज किया, आपके पास से पैसा चला गया, 16500 चला गया, तो क्रेडिट, क्रेडिट वर्ड गोस आउट, आप क्रेडिट के कॉलम में फर्नीचर लिख दोगे, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट कॉलम 16500 लिख दोगे, ठीक है बच्चों। फिर पेड मोहन बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड 100, मतलब आपने मोहन को पे कर दिया चेक के थ्रू, ठीक है। कितना पे किया, 10,900, 100 रुपये आपको डिस्काउंट मिल गया। बार 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 मैं एक ही बात कह रही हूँ, डिस्काउंट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा मोटिव ये है बस पेड मोहन बाय चेक, हमने मोहन को चेक के थ्रू पे किया, चेक हमारा बैंक को जाएगा और कहाँ आ जाएगा, हमारी क्रेडिट में इसकी ट्रांजेक्शन आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने पे आउट कर दिया। तो 10,900 लिख के आप क्रेडिट में लिख देना, मोहन के अकाउंट में 10,900 लिख दो, 100 रुपये डिस्काउंट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर ड्राइंग है हमारी 11,600, ड्राइंग हमारी हमने अपना पैसा चला गया हमारी कंपनी से, पर्सनल यूज के लिए गया, पैसा गया, तो क्रेडिट वोट वॉट गोज आउट, तो आप लिखोगे बाय ड्राइंग अकाउंट में 11,600, तो बाय ड्राइंग अकाउंट में 11,600 क्रेडिट में हमने लिख दिए, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, हमने मनोज को गुड्स सोल्ड कर दिए कैश में, पैसे में, तो आपके पास से तो चले गए, आपके पास से गए लेकिन आपको कैश मिल गया, इस बात को याद रखना। ये बात कई बच्चों को कल की वीडियो में भी कंफ्यूजन थी और ये मैं दूर कर देती हूँ। बिल्कुल ठीक आप लोग कह रहे हो कि सोल्ड गुड्स टू मनोज अगर सिंपल यहाँ तक होता तो ट्रांजेक्शन नहीं आती, वो कुछ प्रॉब्लम थी उसे आप कंसिडर कर लेना। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर मनोज फॉर कैश है, कैश गिवन है, तो अब ये कंसिडर होगा, अगर सिंपल नाम हो तो कंसिडर नहीं होता। तो ये 14,800 आप लिखोगे इसे, और कहाँ लिखोगे, आपके पास पैसा आया डेबिट साइड में लिखोगे 14,800, तो सेल्स में 14,800 लिख दिया, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारा डिपॉजिट ऑफिस कैश इन बैंक, ये भी हमारी डबल ट्रांजेक्शन है, डुअल ट्रांजेक्शन इसकी तरह। देखो ऑफिस के कैश को बैंक में सबमिट कर दे, जिन जिन को मैं डबल ट्रांजेक्शन कहती हूँ उसे एक नोट डाल के लिखते जाओ अपनी कॉपी में, जिस पे डायरी में आप कर रहे हो, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन ट्रिकी होते, ज़्यादा नहीं होते, हार्डली 15-20 ट्रांजेक्शन होते हैं, आप उन्हें याद कर रखना। तो आपने ऑफिस के कैश को बैंक में सबमिट कर दिया, तो आपका क्या होगा, कैश आपके पास से क्या गया, कैश आपके पास से चला गया, बैंक में पैसा आ गया, कैश गया तो क्रेडिट वॉट गोस आउट, बैंक में आया तो डेबिट वॉट कम्स इन, तो आप क्रेडिट कॉलम में 21200 माइनस कर दोगे, कैश कॉलम में क्रेडिट के कैश कॉलम में 21200 माइनस कर दोगे, बैंक के कॉलम में 21200 प्लस कर दोगे, ठीक है बच्चों। तो होपफुली सो आपको ये पूरी ट्रांजेक्शन डबल कॉलम कैश बुक की समझ आ गई होगी। अब मैं आपको टोटल कर देती हूँ, इनका टोटल आया 50,650, इनका टोटल है 98,000, कर लेना यही आएगा। इनका टोटल आया आपका 13,500, और इनका टोटल है, सॉरी इनका ये टोटल नहीं आया, इनका टोटल आप कर लेना और इनका टोटल आप कर लेना, इसके बाद ये वाला ज्यादा था, तो ये ज्यादा था, इसमें से हमने इनके टोटल को माइनस किया, मतलब शो तो करते नहीं है तो मैंने भी नहीं किया। आंसर है 13500, और इसको इनके टोटल में माइनस किया तो आंसर है 3960। तो हमारा जो रिक्वायर्ड बैलेंस CGI यानी कैश अकाउंट का हमारा रिक्वायर्ड बैलेंस है, वो है हमारा 13500, और बैंक अकाउंट का हमारा टोटल है 3960। इसे सॉल्व आउट करना, और फिर भी कोई आपके दिमाग में डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, इसे अपने नोटबुक में सॉल्व करना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखा गया है। ये क्वेश्चन आपका डबल कॉलम कैश बुक का ही है, इसे भी हम आज की वीडियो में जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है।
एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक, कैश इन हैंड 800, बैंक ओवरड्राफ्ट 5700। मेरे बात ध्यान से सुनना, ये भले ही ज्यादा ट्रांजेक्शन है बट जो है बड़ी ट्रिकी और टफ है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा हमेशा लॉस होता है क्योंकि आपका पैसा जितना आपके पास बैंक में नहीं था आपने उससे ज्यादा उसे यूज कर लिया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑलवेज योर नेगेटिव बैलेंस। आपके पास अगर 5,000 है आपने 15,000 निकाले तो 10,000 आपका ओवरड्राफ्ट में चला जाएगा। तो कैश इन हैंड तो डेबिट वर्ड कम से इन हो जाएगा, तो 800 रुपए तो हम अपने डेबिट में लिख देंगे लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा लॉस है तो 5700 हम अपने क्रेडिट में लिख देंगे। बाय बैलेंस बीटी में 5700, टू बैलेंस बीटी में 800। समझ गए बच्चों? सेकेंड, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम भारती एंड डिस्काउंट अलाउड 150। रिसीव्ड आपने चेक किया भारती से और उसमें आपने डिस्काउंट लिख दिया 150। ये ट्रांजेक्शन और इस चेक कितने का था? 3 to 500 का। मैंने अभी पीछे भी आपको यही बताया था, वो ट्रांजेक्शन तब तक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन नहीं होते चेक की तब तक ये ना लिखा हो कि उस बैंक को, उस चेक को आपने बैंक में डिपॉजिट किया। तो अभी के लिए डिस्काउंट्स हमें वैसे मतलब नहीं होता, अभी के लिए इस ट्रांजेक्शन को हम June 7 को नहीं कंसिडर करेंगे। अब June 9 में देखो, डिपॉजिट अबव कैश इन बैंक, अब लिखा हुआ है कि ऊपर वाला ट्रांजेक्शन, ये ऊपर वाला चेक बैंक में सबमिट कर दिया, अब आप इसकी ट्रांजेक्शन करोगे। बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ, आप उस ट्रांजेक्शन को तब तक नहीं करोगे जब तक ये मेंशन ना हो कि वो बैलेंस आपका चेक का गया, ठीक है? तो 3 to 500 व्हाट कम्स इन तो डेबिट में लिख देंगे टू चेक अकाउंट 3 to 500, ठीक है? फिर इसके बाद हो जाएगा हमारा चेक रिसीव्ड फ्रॉम पनालाल 1200, वही बात है, चेक रिसीव फ्रॉम पनालाल है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे, हमें इसमें कुछ नहीं लिखना क्योंकि ये नहीं लिखा कि वो बैंक का पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया, ठीक है? फिर भारतीज चेक वॉज डिस रिटर्न्ड डिसऑनर, मतलब जो भारती का कहाँ गई भारती, हाँ ये जो इसका चेक था वो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर मतलब खराब हो गया, बाउंस हो गया, उसमें उसके अकाउंट में भी इतने पैसे नहीं थे जितने का उसका ट्रांजेक्शन थी, तो उसका ट्रांजेक्शन खराब हो गई, उसका पैसा खराब हो गया। तो अब क्या होगा हमारा, इसका पैसा खराब हो गया तो ये 1200 हमारा क्रेडिट में चला जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिखते हैं कि बाय भारतीय अकाउंट के नाम से 3 to 500 का था ना इसका चेक, तो हाँ ये था ना, ये डिसऑनर हो गया तो हमने क्रेडिट साइड में 3 to 500 लिखते हैं, 3 to 500, ठीक है? डिसऑनर मतलब उसके अकाउंट में भी इतने पैसे नहीं थे जितने का उसने चेक काट दिया, तो ये क्रेडिट होगा, लॉस है। फिर पनालाल चेक वॉज एंड्रोस्ड टू कमल, पनालाल को आपने चेक दे दिया, जो मतलब पनालाल का चेक, यानी ये जो 1200 का था जो अभी तक हमने सबमिट ही नहीं किया था, वो आपने दे दिया कमल को, तो कमल को आपने दे दिया तो आपके पास से गया, आपका लॉस है, तो ये क्रेडिट व्हाट गोस आउट हो जाएगा हमारा 1200 कैश के अकाउंट में। हाँ, तो अब आप ये कहोगे आपने ये कैश के अकाउंट में क्यों लिखा, क्योंकि बैंक में तो हमारा गया ही नहीं था ना ये चेक, ये पनालाल का चेक हमने बैंक में तो डाला ही नहीं, तो हम बैंक से क्या माइनस करेंगे, ये हम कैश से ही माइनस कर देंगे, ठीक है? फिर इनकम टैक्स पेड बाय चेक 150, इनकम टैक्स आपने पे किया 150 रुपीज, तो ये आपने बैंक से पे किया तो ये हमारा क्रेडिट साइड बैंक में आ जाएगा, ठीक है? तो बच्चों ये क्वेश्चन था, इन्हें टोटल कर लेना, जिसका सम ज्यादा हो ओवरड्राफ्ट, अगर डेबिट का हो तो वो लिख देना, क्रेडिट का हो तो वो लिख देना। ये रहा वो, मैंने कर दिया क्वेश्चन, मैंने आज आपको दो इम्पोर्टेंट डबल एंट्री कैश बुक के क्वेश्चन करवाए हैं, इनके टोटल करके मुझे बताना, फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।